बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन कैसे काम करती है और बिटकॉइन कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्या बिटकॉइन हिस्सी तौर पे फिजिकली तौर पे ट्रांसफर होते हैं या बिटकॉइन डिजिटली तौर पे ट्रांसफर होते हैं, या इवन बिटकॉइन डिजिटली तौर पे एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं, या महज एक तसव्वुराती नंबर है या स्टेट ऑफ द लेजर है जो कि अपडेट हो जाती है। तो इसको इस मिसाल से समझते हैं। बुनियादी तौर पे बिटकॉइन के मुताबिक जब हम ये कहते हैं कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को बिटकॉइन मुंतकिल कर दिए, तो इसका मतलब ये होता है कि लेजर की स्टेट अपडेट हो गई। अब यहाँ पे एक ब्लॉकचेन नेटवर्क हम लेते हैं। इस ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर चार नोड्स हैं, चार कंप्यूटर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और इन चार नोड्स ने मिलकर एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाया है। जब हम ये कहते हैं कि ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई ट्रस्टेड थर्ड पार्टी मौजूद नहीं है, कोई सेंट्रल एंटिटी मौजूद नहीं है। अब इनमें से हर पार्टिसिपेटिंग नोड, हर कंप्यूटर के पास लेजर की एक कंप्लीट कॉपी है, और वो बिल्कुल सेम है जो कि दूसरे कंप्यूटर के पास है। तो इस वक्त लेजर की जो स्टेट है वो तमाम कंप्यूटर्स पे सिंक्रोनाइज्ड है। और इस लेजर की कॉपी जो किसी भी नोड के पास है, इसमें दो पार्ट हैं। एक तो वो ट्रांजेक्शन हैं जो कि वैलिडेट हो चुकी हैं, अप्रूव्ड हो चुकी हैं, तो वो लेजर का हिस्सा हैं, और वो आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 1, 2, 3, ये ब्लॉकचेन लेजर का हिस्सा है, ब्लॉकचेन का पार्ट है, और ये कंफर्म ट्रांजेक्शन है जो कि ऑलरेडी वैलिडेटेड हो चुकी हैं। और दूसरा हिस्सा जो है वो पेंडिंग ट्रांजेक्शन का है, तो इस वक्त कोई भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन मौजूद नहीं है। अब मिसाल मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि एलिस जो है वो कुछ पैसे ट्रांसफर करना चाहती है बॉब को, तो उसके लिए एलिस एक एक ट्रांजेक्शन जनरेट करेगी। ये हम ट्रांजेक्शन नंबर 4 इसका नाम दे देते हैं। जब एलिस इस ट्रांजेक्शन को ऐड करेगी, तो ये एलिस के कंप्यूटर के अंदर पेंडिंग ट्रांजेक्शन लिस्ट के अंदर आ जाएगी। तो जैसे ही ये पेंडिंग लिस्ट के अंदर आएगी, एलिस की ट्रांजेक्शन, एलिस इसको ब्रॉडकास्ट करेगी, और ये ट्रांजेक्शन जो है वो तमाम दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर भी चली जाएगी, और वो उनकी पेंडिंग ट्रांजेक्शन लिस्ट का हिस्सा बन जाएगी। तो अभी ये ट्रांजेक्शन, जैसे ही एलिस ने ट्रांजेक्शन की, एलिस की ट्रांजेक्शन एलिस के लेजर के अंदर उसकी पेंडिंग ट्रांजेक्शन की लिस्ट के अंदर अपेयर हो गई, उसने फिर ये डिसिमिनेट की इंफॉर्मेशन, और ये ट्रांजेक्शन दूसरे कंप्यूटर्स पे होती हुई उन कंप्यूटर्स के जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन हैं उसके लिस्ट के अंदर आ गई। अब इसके बाद क्या होगा कि अब ये पेंडिंग ट्रांजेक्शन है कि एलिस ने बॉब को इतने बिटकॉइन या इतने पैसे ट्रांसफर किए, अभी ये ब्लॉकचेन का हिस्सा नहीं बनी। अब ब्लॉकचेन का हिस्सा कैसे बनेगी, उसके लिए कोई भी माइनिंग नोड इन्वॉल्व होगी। तो इसके अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एलिस खुद एक माइनिंग नोड है। तो एलिस ने माइनिंग प्रोसेस किया, एक कंसेंसस एल्गोरिथम किया, और वो क्रिप्टोग्राफिक पजल उसने सॉल्व कर लिया। अगर उसने क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व कर लिया, तो अब वो क्या करेगी कि जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन है इसको ब्लॉक का हिस्सा बनाएगी, और फिर इस ब्लॉक को पूरे नेटवर्क के अंदर डिसिमिनेट करेगी। तो ये जो न्यू ब्लॉक है ये तमाम नेटवर्क के अंदर डिसिमिनेट हो जाएगा, और जब ये न्यू ब्लॉक डिसिमिनेट होगा, तो इस न्यू ब्लॉक के अंदर ये ट्रांजेक्शन नंबर 4 लिखी होगी कि ये ट्रांजेक्शन नंबर 4 अकर हुई है। तो जितने भी पार्टिसिपेटिंग नोड्स होंगे वो अपने जो लेजर की कॉपी है उसके अंदर ट्रांजेक्शन नंबर 4 को इंक्लूड कर देंगे, और इस तरीके से जो ट्रांसफर है वो एक नोड से दूसरी नोड के तक हो गया ब्लॉकचेन के अंदर, और इसके अंदर कोई भी सेंट्रल एंटिटी या पार्टिसिपेटिंग नोड इन्वॉल्व नहीं थी। तो आप ये देख सकते हैं कि जब एलिस ने एक ट्रांजेक्शन की बॉब को, यानी सिंपल वर्ड्स में जब एलिस ने जो है ट्रांसफर किए बिटकॉइन अपने पास से बॉब को, तो जो बिटकॉइन है वो फिजिकली या डिजिटली ट्रांसफर नहीं हुए, बल्कि लेजर की स्टेट अपडेट हुई कि लेजर के, यानी ट्रांजेक्शन से एक जगह से दूसरी जगह मूव हुई और ट्रांजेक्शन अपडेट हुई, बिटकॉइन बजाते खुद ट्रांसफर नहीं हुए। और बिटकॉइन एज सच एग्जिस्ट भी नहीं करते, ना फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं ना डिजिटली एग्जिस्ट करते हैं, ये जस्ट एक नंबर्स हैं जो कि आप ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड करते हैं, और उन ट्रांजेक्शन्स को आप शेयर करते हैं, और उन ट्रांजेक्शन्स को शेयर करने की वजह से आपके लेजर की स्टेट अपडेट हो जाती है।